अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने कोई 6-6 महीने से स्ट्रिक्ट डाइटिंग के ऊपर है, अगर तो उन्होंने डाइट को भी फॉलो किया है लेकिन उनके कोई ना कोई लाइफ स्टाइल के अंदर कोई ना कोई ऐसी कमी रह गई है जिसकी वजह से उनका वेट स्ट्रक नहीं हो रहा, स्ट्रक हुआ हुआ है और वो गिर नहीं रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर लाला रुख मलिक है और मैं कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बढ़ता हुआ वज़न आजकल हमारे माशरे का एक बहुत अहम और बढ़ता हुआ चैलेंज है, तो इसको कैसे ठीक करना है, अपने वज़न को कैसे कंट्रोल करना है, बतौर माहिर ग़िज़ाइयत मैं आपको आज वो 10 अहम तरीके बताऊंगी जिसको फॉलो करके अपनी डाइट के अंदर, अपने लाइफस्टाइल के अंदर आप अपने वज़न को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हम सब ये चीज़ जानते हैं कि बढ़ता हुआ वज़न या जो मोटापा है वो सिर्फ कोई एक बीमारी नहीं है, वो बीमारियों की माँ है। तो जो आपका मोटापा है वो आपको बहुत सारी और भी बीमारियों से दो चार कर सकता है और आपको उस चीज़ से जो है आपकी ज़िंदगी को मुतासर कर सकता है। तो अपने वज़न को कम करने के लिए बतौर माहिर ग़िज़ाइयत जब हम बात करते हैं तो हम 3 कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। और सबसे पहले हमारा मेन फोकस ये होता है कि आपका वज़न बढ़ क्यों रहा है। हमने वज़न बढ़ने की सबसे पहले मेन जो रीज़न है उसको आइडेंटिफाई करना होता है और उसके बाद फिर हमें उसको इरेडिकेट करना होता है हमारी लाइफ के अंदर से। तो वज़न बढ़ने की जो बड़ी वजूहत हैं उनको जब हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, सबसे पहले तो आपका डाइटरी मॉडिफिकेशन, यानी कि आपकी खुराक के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपका वज़न कम होने से आपको रोक रही हैं और आपका वज़न मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। तो उसके अंदर सबसे पहले तो जब हम डाइट की बात करते हैं तो आपकी डाइट के अंदर सबसे पहले रिफाइंड शुगर्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसा अनाज जिसके अंदर आपकी रोटी, चावल, आपका ब्रेड आ जाते हैं और आपका आटा आ जाता है, ये सब वो चीज़ें जिनके अंदर फाइबर की कमी होती है। तो कमी फाइबर की जो है वो आपका वज़न बढ़ने का एक सबब बनती है। तो अपने जो डाइट के अंदर है फाइबर का इंटेक ज़्यादा करें। उसके अलावा फिर हमारे लोग बहुत ज़्यादा जो है आजकल के बच्चों के अंदर ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं करवाई गई है कि उन्होंने कैसे अपने फूड को इंटेक करना है। हमें नहीं पता कि हमने 6 फूड ग्रुप्स हैं उनका इंटेक करना है और अपने आप को जो है सेहतमंद रखना है। तो उसके लिए आपका 6 के 6 फूड ग्रुप्स का इंटेक होना ज़रूरी है जिसके अंदर आपका सबसे पहले अनाज आ जाता है, दूसरा आपका प्रोटीन का ग्रुप है यानी कि आपका गोश्त का और दालों का, तीसरा आपका दही का और दूध का यानी कि डेयरी, फिर आपके हेल्दी फैट्स बॉडी के अंदर आना बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा वेजिटेबल्स का। हमारे लोगों के अंदर बहुत सारी कमियाँ आ जाती हैं कि हम लोग वेजिटेबल्स का इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, सब्जियों का इंटेक नहीं करते हैं, फलों का इंटेक तो है ही नहीं हमारी डाइट के अंदर। फल आपकी ऐसे उनके अंदर ऐसे फाइटोकेमिकल्स, ऐसे केमिकल्स, ऐसे एंजाइम्स और ऐसे जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके ब्रेन को ऐसा हार्मोन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से आपका स्लीप वेक साइकिल ठीक होता है और आपका डाइट, आपका जो वेट है जो स्ट्रक हुआ हुआ है या फिर गिर नहीं रहा है या फिर बढ़ता चला जा रहा है, सो खुद ब खुद वो रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। एक हेल्दी बॉडी जब हेल्दी वर्क करती है तो आपका वेट भी मेनटेन रहता है और हेल्दी रहता है। तो सबसे पहले तो आपकी डाइट के अंदर बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है जिसे हम कहते हैं माइंडफुल ईटिंग, और आपका रेनबो ईटिंग बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी खुराक ऐसे इस्तेमाल करें जिसके अंदर हर तरह का रंग, हर तरह का फल, सब्ज़ी, गोश्त आपका ऐड हो जिसकी वजह से आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। पहला तो ये था डाइटरी मॉडिफिकेशंस। अब दूसरी बहुत अहम वजह जिसकी वजह से आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा होता या फिर आपका वेट बढ़ता चला जा रहा है या वो स्ट्रक्ट हुआ हुआ है या वेट की वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियों ने आपके ऊपर हमला किया हुआ है, वो आपका लाइफस्टाइल है। अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने कोई 6-6 महीने से स्ट्रिक्ट डाइटिंग के ऊपर है, अगर तो उन्होंने डाइट को भी फॉलो किया है लेकिन उनके कोई ना कोई लाइफस्टाइल के अंदर कोई ना कोई ऐसी कमी रह गई है जिसकी वजह से उनका वेट स्ट्रक नहीं हो रहा, स्ट्रक हुआ हुआ है और वो गिर नहीं रहा है। तो उसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि आपका सोने जागने का टाइम जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, जैसे हम स्लीप वेक साइकिल कहते हैं, वो ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपकी एक्सरसाइज और आपका एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी एक्सरसाइज आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और आपके वेट को गिरने में मदद देते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं जिसकी वजह से आपके फैट्स, बॉडी की चर्बी टूटती है, पिघलती है और आपका जिस्म से जो है वज़न कम होना शुरू हो जाता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके अंदर हम हार्मोन्स की बात करते हैं, अगर आपके हार्मोनल इंबैलेंस है या कोई भी इशू है उसकी वजह से भी आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, ये भी आपके लाइफस्टाइल के अंदर आता है कि आप उसको कैसे मैनेज करें, अपनी रूट कॉज को पकड़ें और उसको ख़त्म करें अपनी ज़िंदगी से जिसकी वजह से आपका वेट स्ट्रक हुआ हुआ है और गिर नहीं रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट और चीज़ आपका जो एंड पे हम देखते हैं वो आपका माइंड स्ट्रेस कितना है, आपका मेंटल स्टेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर कर रही होती है। अगर आप स्ट्रेस के एंजाइटी की कंडीशन में है तो आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा होता। बहुत सारी फीमेल्स या बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको 20 या 30 दिन के अंदर वेट कम करना है लेकिन वह बहुत स्ट्रेस के अंदर है। अंडर स्ट्रेस कंडीशन आपकी बॉडी जो है वेट रिड्यूस नहीं कर रही होती है और आपका वेट पीछे एक मैकेनिज्म के थ्रू आपके फैट्स बैकअप के ऊपर जो है वो टाइट हो जाते हैं और आपका वेट नहीं गिर रहा होता। तो इन सब चीज़ों को आपने देख कर चलना है, अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन को बेहतर करना, अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना और अपने माइंड को सेट
वेट करना जब तक आप इन तीन चार चीज़ों के ऊपर फॉलो नहीं करेंगे आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। और वेट रिड्यूस करने के लिए मज़ीद अगर आपको मालूमात चाहिए तो वो आप उनसे मरहम के प्लेटफॉर्म पे आकर ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं।